लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, सुनते ही बौखला गए आतंकी जम्मू। कश्मीर में पीडीपी सरकार यानी कि महबूबा मुफ्ती की सरकार से भाजपा ने अपना समर्थन ले लिया है, जिसकी वजह से प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। राज्यपाल शासन लगते ही घाटी में आतंकियों के बढ़ते आतंक को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यह फैसला लिया है कि मुठभेड़ के दौरान मारे गए सभी स्थानीय आतंकियों के शव को न ही उनके परिवार को सौंपा जाएगा और न ही किसी प्रकार के जनाजे की व्यवस्था की जाएगी। मुठभेड़ मारे गए सभी आतंकियों के शव को सेना खुद दफन करेगी। नए गृह मंत्रालय ने इस प्रकरण की वजह बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि किसी भी आतंकी के मरने के बाद उसके जनाजे के बहाने किसी भी सरकार विरोधी घटना को अंजाम न दिया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि इस तरह के जनाजे में कई बार आतंकियों के आकाओं का भड़काऊ भाषण स्थानीय युवकों को आतंक के लिए उकसाता है और जनाजे में शामिल बच्चों को बहला फुसला कर आतंकी संगठनों में शामिल कर लिया जाता है। आतंकियों के जनाजे में शामिल होने वाले कई युवाओं के परिवार वालों का भी ये आरोप है कि जनाजे में शामिल होने गए उनके बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उनके अंदर देश और दुश्मन के प्रति इतनी नफरतें भर दी जाती है कि वे अपने घर परिवार को भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आतंकियों के जनाजे को लेकर सरकार पहली बार इतनी सक्रिय दिख रही है, इससे पहले भी सरकार कई तरह से इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कर चुकी है। इससे पहले ही आतंकियों के शव के जनाजे के दौरान सुरक्षा बलों का प्रबंध किया जाता था। आतंकियों के दफनाए जाने का फैसला भी इसी कानून का एक हिस्सा है।